हाय एवरीवन, वेलकम टू पियलीज़ किचन। आज मेरे किचन में मैं बनाने जा रही हूँ बंगाली पायश, यानी कि चावल का खीर। बंगाली में ये चावल का खीर छोटे दाने का चावल से बनता है, उसको गोविंदभोग बोलते हैं। और खीर थोड़ा अलग रहता है, थोड़ा गाढ़ा ज़्यादा रहता है और बहुत ही क्रीमी और सॉफ्ट सी होती है। सबसे पहले मैंने एक बड़ी सी हंडी ली है और उसके नीचे थोड़ा सा घी लगा दिया है, जैसे कि दूध उबलते समय नीचे चिपके ना, यानी कि नीचे लग के जल सकता है दूध, तो इसलिए थोड़ा सा घी लगा देने से वो नहीं जलता है। मैंने यहाँ पे 2 लीटर फुल क्रीम मिल्क लिया है, आप कोई भी फुल फैट मिल्क ले सकते हैं। इसको पहले उबाल आने देंगे, एक उबाल आ जाए उसके बाद इसमें चावल मिलाएंगे और दूध डालने के बाद बीच बीच में उसको ऐसे हिलाते रहेंगे। दूध चढ़ाने के बाद हम लोग चावल को तैयार कर लेंगे। 2 लीटर दूध के हिसाब से ऐसे 2 मुट्ठी चावल लेंगे। इससे ज़्यादा चावल लेने से खीर में चावल बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। 2 मुट्ठी चावल लेके उसको पहले पानी से अच्छे से धो लेंगे, फिर उसको छानने के बाद उसमें थोड़ी सी घी डाल के उसको अच्छे से घी के साथ मिला लेंगे। इससे चावल दूध के अंदर उबलते समय अलग अलग रहता है, मिल नहीं जाता, तो उससे खीर का जो टेक्सचर है बहुत बढ़िया आती है। ट्रेडिशनली बंगाली पायश बनाते समय तेजपत्ता और इलायची दोनों का ही यूज़ किया जाता है। मेरे घर पे इलायची थोड़ा कम पसंद करते हैं, इसलिए मैंने तेजपत्ता ज़्यादा दिया है। आपको पसंद हो तो आप सिर्फ इलायची से भी बना सकते हो, लेकिन तेजपत्ता ट्रेडिशनली यूज़ किया जाता है, उसका थोड़ा अलग स्मेल आता है। दूध में उबाल आ जाने के बाद उसमें हम लोग चावल डाल देंगे। चावल डालने के बाद हम लोग दूध को एक बार अच्छे से मिला देंगे, जिससे चावल में लंप नहीं आएगा, हर एक चावल का दाना अलग अलग रहेगा। खीर बनाते समय हम लोग अगर 2-3 चीज़ों की ख्याल रखें तो बहुत आसानी से खीर बन जाती है। एक तो एक बड़ी बर्तन ले और जो तले से थोड़ी भारी हो, और नीचे थोड़ा सा घी लगा दे, और दूध उबलते समय बीच बीच में ऐसे करछी चलाते रहे, नहीं तो दूध नीचे चिपक सकता है। अब देखिए चावल ऑलमोस्ट उबल गया है, ये अंदर से थोड़ी सी कच्ची हो, इस समय इसमें शक्कर डालनी पड़ती है। शक्कर डालने से चावल और ज़्यादा बॉयल नहीं होता, नहीं तो पूरा चावल एकदम गल जाता है, तो खीर अच्छा नहीं लगता खाने में। मैंने यहाँ पे 1 कटोरी शक्कर डाली है। शक्कर को दूध के साथ अच्छे से मिला लेंगे और अभी दूध को गाढ़ा होने देंगे। मैंने यहाँ पे बहुत बड़ी हंडी ली है, इसलिए गैस को एकदम ऑन पे ही रखी है, लेकिन अगर आप छोटे बर्तन लो और वो नीचे से पतली हो तो आप गैस को एकदम सेम पे ही रखो, उससे भी बहुत बढ़िया खीर बनती है। दूध उबलते समय बीच बीच में करछी चलाते रहना चाहिए, और साइड में जो मलाई जाके जमा हो जाता है उसको भी स्क्रैच करके खीर के अंदर मिला देना चाहिए, उससे खीर बहुत क्रीमी बनती है। अभी खीर बहुत गाढ़ा हो गया है, इसमें पहले से धुला हुआ किशमिश डालेंगे और कैशूनट डालेंगे। आपको अगर पसंद हो और कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप मिला सकते हो। पायश करीब करीब बनी गई है और थोड़ा सा उबलने के बाद इसको हम लोग बंद कर देंगे, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। इसके ऊपर अभी जो बबल आ रहा है, इससे पता चल रहा है कि ये बन चुका है। अभी हम लोग को गैस ऑफ कर देना पड़ेगा और थोड़ी सी ठंडा होने के बाद इसको सर्व करेंगे। खीर थोड़ा ठंडा खाने में ही अच्छा लगता है। देखिए 10 मिनट के बाद ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो गया है और बहुत सॉफ्ट और मुलायम बन के तैयार हो गया है। बंगाली पायस की ये रेसिपी अगर आपको पसंद हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।